समीरा, तुमने नौकरी छोड़ दी है ना, लेकिन जर्नलिज्म तुम लिखते हुए कर सकती थी। बुक लिखने का भी एक रीजन है, लेकिन उसकी वजह से नहीं। बहुत ही सेंसिटिव वाला स्टैटिस्टिक उठाया था, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कर सकते ऐसा कहा, उसी की वजह से। क्या थी वो सेंसिटिव न्यूज़? कितनी लड़कियों को किडनैप किया जाता है, उसमें से कितनी लड़कियों को पुलिस रेस्क्यू करती है, इसका स्टेट वाइज एक डेटा बनाया जाता है, उसी को पब्लिश करने की परमिशन नहीं थी। और फिर उनके ऑफिशियल पेज पे मैंने पब्लिश कर दी। कमाल का आइडिया है, कोई चांस ही नहीं है। क्या चांस नहीं है? कोई भी फोकट में रह सकता है क्या? सच बोलो ब्रो, तुम्हारा पैशन क्या है? ब्रो, मैंने बहुत सोच कर देख लिया, मेरा कोई पैशन नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ होगा ही, बताओ तुम्हें पसंद क्या है? मेरे लिए मेरी कार सब कुछ है। कार में जो जोश है, जब फुल स्पीड में चलाते तो अंदर महसूस होता है एक रोमांच, एक अलग सा फील, और उसे किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा भाई मेरे बारे में नेगेटिव सोच सोच कर बहुत मायूस हो जाता है। और तुम्हारे पापा? मेरे पापा एक मल्टी मिलियनियर है, मेरे बारे में वो ज्यादा सोचते नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जो भी करूंगा गलत ही करूंगा। उन्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को फ्री छोड़ दिया है। ज्यादा सोचता नहीं हूँ, पर जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मैं अपने आप में रहता हूँ। इतनी पैशनेट हो तो अपने आप को प्रूफ करना चाहिए था ना। मुझे किसी के सामने प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रो, मैं भी ऐसा ही था, लेकिन समवन रियली क्लोज टू मी वंस सेड, अपना एक पैशन होता है, सबका एक होता है, उस पैशन को ढूंढ कर पकड़ कर ले जाकर पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे लेवल का पैशनेट नहीं हूं ब्रो, जब देखो तुम मेरी टांग खींचते रहते हो, मेरी जान छोड़ दो ब्रो। एडन, आप किसी चीज के पीछे बहुत जुनून के साथ दौड़ रहे हो। जिंदगी में हर एक चीज का फैसला हम नहीं कर सकते, थोड़ा फ्री छोड़कर देखो, वो खुद हमें रास्ता दिखाएगा। मैं आज यहां पर रहूंगा ये कभी मैंने सोचा नहीं, बल्कि आप लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि हम मिलेंगे। इट्स डेस्टिनी। ब्रो, तुम कहां चले गए थे? ओके ओके, ओके गाइस, मैं सोने जा रहा हूं। ब्रो, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? किसी को नींद नहीं आ रही है क्या? इसके बाद क्या करने वाले हो तुम लोग? लेट्स प्ले समथिंग। व्हाट? ट्रूथ एंड डेयर। हाउ सो स्वीट, ट्रूथ एंड डेयर। पागल। ठीक है तो तुम ही बताओ ना। छुपा छुपी खेले, इससे बेहतर तो उसका था। समीरा, तुम ही कोई इंटरेस्टिंग गेम बताओ ना। मैं बचपन में ये बहुत खेलती थी, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, लेकिन इसे खेलने के लिए विश्वास करना पड़ता है, इससे कुछ भी होने का चांसेस है। ये गेम सुनने में ही डेंजरस लग रहा है, मैंने इस गेम के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। ए, चुप बैठो ना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताओ ना तुम। ओके, यहाँ रखे बुकशेल्फ से कोई भी बुक रैंडमली उठाओ, वो चाहे जो भी जॉनर हो, ह्यूमर, हॉरर, हिस्ट्री, कुछ भी चलेगा। उसमें से एक कंटेंट पढ़ना होगा, लेकिन इसे पढ़ते वक्त पूरा विश्वास करना होगा, यही है गेम। There are million possible outcomes. Come on, let's play, guys. Sounds interesting. Okay. अब बातें बंद करो, चलो ना गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ही एक बुक चूज करके लाती हूं। तुम चुपचाप बैठ जाओ, अगर तुम्हें चूज करने के लिए बोला तो तुम एक कार्टून बुक जरूर चूज कर लोगी। समीरा, तुम चूज कर लो। ओके। ये वाली? नहीं नहीं, वो वाली। हाँ? वो। Oh my God. Oh, nice. I'll go first. Pancharaksharam. Yes, please. Hmm.
बहुत बड़े तूफान में फंसने के बाद, कई मुश्किलों को पार करने के बाद, तूफान थम जाने के बाद जो शांति मिलती है, उसी तरह से बाहर आओगी और शांति पाओगी। फिर उस नीले आकाश की पंछी की आवाज सुनकर, ये अंत नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना की शुरुआत है, ये समझ जाओगी। ये तो बहुत ही खतरनाक पहेली लगती है। तुम्हें समझ नहीं है क्या? मुझे भी समझ नहीं आया। Really interesting. Bro, जब देखो interesting, interesting, हर बार नशे में तुम बड़बड़ करते रहते हो। लाओ मुझे दो। एकदम सुगंधित रात आजादी से घूमने वाले घोड़े को ये पता नहीं चलता कि सारी जिंदगी रथ खींचने का वक्त आ गया है। क्या खींचने का वक्त आ गया? ये पक्का मेरे बाप ने लिखी है। सही है पापा, सही इंतजाम किया आपने, मुझे खत्म करने का सही प्लान बनाया है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, घोड़े की तरह बांध कर रखना चाहिए। कई सारे युद्ध को जीतकर राजा को जीत दिलाने वाला वीर सेनापति एक अनजान बीमारी से मर जाता है और फिर राजा उस सेनापति की जगह लेकर बहुत ही। कैन यू स्टॉप प्लेइंग दिस गेम? क्यों, तुम इससे कुछ रिलेट कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट बहुत नेगेटिव लग रहा है। इस बुक में कोई एक कहानी नहीं है, लग रहा है जैसे कई कहानियों को मिलाया गया है। गेम ही तो है, तो इतना क्यों सोच रहे हो? नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। घर का प्यार से पाला हुआ कुत्ता मर जाता है और ये खबर उनकी बेटी तक ना पहुंचे इसलिए उस लड़की के माँ बाप ने कुत्ते को अपने ही गार्डन में दफनाकर बेटी से झूठ कहा कि कुत्ता घर से भाग गया है। मतलब मेरी रियो भागी नहीं थी, वो मर गई थी क्या? ए, उस कुत्ते को भागे हुए कितने साल हो गए, क्या लिखा है? 12 years 6 months। अगर वो कुत्ता भाग भी गया होता तो अब तक मर चुका होता। पागल। ए, come on, it's a game. कई सीमाओं को पार करके कई दिशा में घूमने वाले पंछी को ये पता नहीं होता कि जब उसका पंख टूट जाएगा तो उसकी सीमाएं घोंसले में खत्म हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, मैं ट्रैवल करना नहीं छोड़ूंगा। That's the attitude, bro. जो भी हो देख लेंगे। बहुत thrilling है ना ये गेम? Let's play, come on. देवी का जहां भी जाती थी, एक बिल्ली उसका पीछा किया करती थी। ये देखकर देवी का के अंतरात्मा से किसी दुर्घटना होने की आवाज आती रहती थी। लगता है देवी का एक नंबर की पागल होगी। अच्छा, तुम लोग काली बिल्ली से डरते हो क्या? लेकिन हाँ, अंधेरे में तो कोई भी काली बिल्ली से डरेगा। समीरा को देखकर तो नहीं लगता कि वो डरती होगी। एक साफ मन की चीन की महारानी को आग का गोला फेंकने वाला एक ड्रैगन अपनी गुफा में उठाकर ले गया। ये ड्रैगन वगैरह कहां से आता है? ये फैंटेसी है या फिक्शन? सपने में आके उसे सोने नहीं देगा, उसका किया हुआ पाप उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। अभी उसके सपने में हकीकत आएगी और वो बर्बाद होगा। ए, क्या सीरियस हो गई? नो। जिस पहाड़ को कोई छू नहीं सका, उस पहाड़ को छूने की सोचने वाला एक ये सोचकर कि फिसल जाऊंगा, उस पल को सोचकर उस पहाड़ पर चढ़कर जब वो आखिरी चोटी पर चढ़ने वाला था तो जो उसने पहले सोचा था उसका डर सच में बदल गया। ब्रो, इसने हमें पहाड़ के बहुत ऊपर चढ़ा दिया, कल हम नीचे उतर जाते हैं, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। साफ मन के इंसान का किसी बुरे मन के इंसान से मिलने का वक्त आ गया है। ये जमाना बुरे लोगों का है, इस बात पर तू विश्वास करने लगेगी। ये क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कह रही थी ना खेलना है, तेरे लिए ऐसे ही आएगा। कला के प्रतीक अपने आप को समर्पित करने वालों को कला ही एक दिन मिटा देगा। ये परफेक्ट आया। आप, मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूं ना, इसलिए आप लोग अपने शौक को कम करो और ये लास्ट पेज पढ़कर खत्म करो प्लीज।
क्या हुआ, क्या पढ़ा तुमने? एक बच्चे के रूप में शैतान से मिलो, ऐसा लिखा हुआ है। क्या शैतान से? ब्रो ये बहुत ओवर हो रहा है, ये बुक मुझे खतरनाक लग रही है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अभी बाहर फेंक कर आता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। इधर ना रुको, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? रुको, रुको, स्टॉप। ग्यारहवीं सदी में सोलर राज्य अपनी सीमा के दक्षिण में काफी तेजी से फैल रहा था। उस समय आधे राज्य के लोग बिना कुछ जाने खूबसूरत पहाड़ियों के बीच खुशी से जी रहे थे। उन लोगों में से सिर्फ एक इंसान अपने आप को एक अलग ही रूप में देख रहा था। उसके जीवन का मूल क्या है, उसके बारे में उसने जानना चाहा और उसे ढूंढने का सफर शुरू किया। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके वो बिना डरे अपने सफर पर चलता रहा। उस सफर में उसने बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं को देखा। समंदर के किनारे के रास्ते से अपनी दिशा की ओर वो चलता चला गया। ना उसकी शुरुआत थी और ना ही उसका अंत। एक बहुत बड़े पहाड़ को देखकर वो चौंक गया और उसी दिशा की ओर चलता चला गया। उस वक्त बिना भोजन के वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। वहां से गुजरने वाले एक ऋषि ने उसे पनाह देकर अपने धर्म और जाति को पार करके आदि से अंत तक उसे सब कुछ सिखाया। वो जो ढूंढ रहा था उसका अर्थ जानकर वो कई देशों और कई महाद्वीपों को पार करके कई बादशाहों से मिलकर कई कलाओं को सीखकर उसने जनता का विश्वास पाया। कई भाषाओं में पुस्तकों को पढ़कर उसने समझा कि जिंदगी का असली अर्थ क्या होता है। जो इतिहास बीत चुका है वो वापस आएगा। इतना कुछ जानने के बाद उसने जहां से शुरुआत की थी वहीं लौटने का फैसला किया। पंचतत्व की शक्ति से उसने वर्तमान काल से भविष्य का फैसला करने वाला काल चक्र से विश्वास पा करके उसने एक किताब की रचना की। इस दुनिया में उसका सफर कब खत्म होगा ऐसा जानने वाला इंसान उसने अपनी महान रचना को एक सामान्य इंसान को सौंप दिया। उसके बाद वो मोक्ष की तलाश करता हुआ वहां से चला गया और कई सालों बाद उस किताब की शक्ति जानने वाले एक राजा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसने जैसे ही पहला पन्ना पढ़ा तो निसंतान राजा के घर एक युवराज ने जन्म लिया। राजा ने उस किताब की महिमा को पहचान लिया, लेकिन एक रात वो बुरा सपना देखकर जाग गया और उसने किताब को लेकर पढ़ना शुरू किया। एक बड़ी दुर्घटना होने वाली थी उसके बारे में जानकर जब उसने उसके बारे में रिसर्च की तो उसे पता चला कि कई युगों बाद होने वाली तबाही पंचतंत्र शक्ति के जरिए उसके बारे में जानने वाले महाराज ने अपनी सभा में 5 ज्ञानी लोगों को उन्होंने चुना। युद्ध में जीतने के लिए सबने तैयारी की। इस बात को जानकर जनता डर गई। उस किताब को शक्ति मानने वाली जनता उसे मिटाने की कोशिश करने लगी। महाराज के डर के बाद युद्ध शुरू हो गए। युद्ध में कई लोगों की मौत हुई। दिन प्रतिदिन हजारों लाखों लोग मारे जा रहे थे। महाराज अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में और उस किताब को लेकर बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने एक गुप्त रास्ते के जरिए अपने बेटे और बीवी के पास किताब को सौंप कर उन्हें भेज दिया। यहीं से उस किताब का सफर शुरू हुआ। कितनी खूबसूरत ये कुदरत का करिश्मा है। पीले रंग में मुस्कुराते हुए खिले हुए फूल हैं। धरती से बात करता ये नीला आसमान, दूरियों को भूलने वाली एक कटी हुई खूबसूरत पतंग। इस खूबसूरत जमी को हरी रंग की चादर चूम रही है। दूर से आती हुई मीठी सुनहरी आवाज, साथ में पंछियों का चहचहाना और ये लहरों की आवाज समंदर के किनारों को छूती है। ये नीला समंदर, मानो पूरा संसार इसमें समा गया हो और मैं भी इसका हिस्सा हूं।
जो हम किस तरफ जाएंगे? सो इट्स बैंगलोर, लेट्स फाइंड अ पार्टनर फॉर योरसेल्फ। से ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। फ्रेंड्स के बर्थडे पर आते हो तो गिफ्ट वगैरह लेकर नहीं आते हो क्या? अंकल, गिफ्ट खरीदने के लिए जो पैसे रखे थे उसने हमसे ऑलरेडी लेकर दान कर दिए हैं। पहले अपने पास में रहने वाले पैसे को दान करती थी, अब दूसरों से पैसे लेकर दान करने लग गई। अच्छा है। पापा, कितना खाएंगे आप? अच्छा ये बताइए, बैंगलोर जाने के लिए मैंने 50,000 मांगे थे, वो कहाँ है? क्या 50,000? 50,000 बेटी, ये लो, चाहिए तो 1,00,000 ले लो, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या? सब लोग अपने अपने बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, तेरे बर्थडे में इन पैसों को लेकर अपने लिए खर्च कर ले। ओके पापा, पूरे पैसे मैं पार्टी में खर्च कर दूंगी। अच्छा, अचानक बेंगलुरु क्यों जा रहे हो? कॉन्सर्ट है, बताया तो था, भूल गए ना आप? अरे वाह, मेरी बेटी कॉन्सर्ट के लिए जा रही है? वो भी चैरिटी के लिए जा रही है। वही तो सोच रहा था मैं, फिर ये 1,00,000। स्वाहा स्वाहा। जानती हो किससे बात कर रहा था? कमिश्नर से। जो तुमने रिलीज किया उसके बाद मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, सबसे माफी मांग रहा हूं मैं। मैंने क्या किया सर? समीरा, जो इन्फॉर्मेशन जो तुमने पब्लिश की है वो बहुत सेंसिटिव है, वो भी अपनी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। हमने ये सब पब्लिक के लिए किया है सर, और कितनी मेहनत भी की है। एक न्यूज़पेपर चलाना कितना मुश्किल होता है तुम जानती हो ना, और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर। जब जर्नलिस्ट बने थे सर तब हम ये सारी चीजें जानते थे। इस डार्क बेब की वजह से अपनी सोसाइटी धीरे धीरे मिटते जा रही है सर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, ये सब कुछ वही पे हो रहा है सर। जनता को ये सब जानना होगा सर। समीरा, डोंट बी ओवर ड्रामेटिक, एक बात समझो, आज की जर्नलिज्म यही है। इसीलिए सर, इस तरह का जर्नलिज्म नहीं चाहिए, ये मैंने फैसला किया है। चाहे कहीं भी नौकरी करो, कंडीशंस अप्लाई के बॉक्स में रहना पड़ेगा। एक इंडिपेंडेंट राइटर को किसी भी बॉक्स में रहने की जरूरत नहीं होती है सर। व्हाट डू यू मीन? Yes, I'm working on a book. It's a surprise. मेरी बुक कंप्लीट होते ही फर्स्ट कॉपी लेकर आपसे मिलने आऊंगी। It's a charity concert. Please come. अपना ये कुछ उसके जैसा है, तुझसे अब मिलना क्या, बिल्कुल
के बिछड़ना क्या, ये सब तो बस बातें हैं। Brilliant, brilliant, amazing. बहुत अच्छा गाता है ना? Out of the world. इनका नाम क्या है? Aidan from Chennai. You want to meet him? You know him? Organizer हूँ. Can you arrange a meeting with him? So can you fill this up? Hi, I'm Jeevika. Hi, Samira. The show was really good. Do you want to meet him too? Sure. Why not? Can you also fill this form? Charity के लिए, guys. Thanks. Hi. Hi. कौन है ये लोग? तुमसे मिलना चाहते थे। हाय हाय हाय, यू रियली गुड, थैंक यू। दैट वाज रियली डीप, हार्ड टू फाइंड जेन्युइन इमोशन। एंड ये गाना तुमने खुद लिखा था? यस। लगता है बहुत कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, मैं समझ सकता हूँ। वन सॉन्ग एंड यू नो मी ऑलरेडी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। इट टेक वंस टू नो वन, समवन हु हैज रियली सेम पेन। एंड यू आर? समीरा, तुम लोगों को हिंदी नहीं आती क्या? नहीं नहीं, हिंदी आती है। मैं चेन्नई की हूँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हिंदी में बात करो ना। ब्रो, तुम्हारा गाना अभी भी मेरे कानों में बज रहा है। हाथ दो, हाथ क्या दे रहे हो, गले लग जाओ। यहाँ कोई मीटिंग चल रही है क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं, नहीं। किया भी तो कोई परवाह नहीं। मैं धरना, और आप? दृश्यम। ओके, और आप? आई एम जीविका, इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर हूँ। और आप? और आप? मेरे बारे में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। भाई जल्दी आना, मेरे डैड के पैसों से मैं मस्त एंजॉय कर रहा हूँ। तुम सब करते क्या हो? आई एम अ ट्रैवलर। अच्छा, तो ट्रैवल करते हो? ट्रैवल, ट्रैवलिंग। आप बहुत स्पीड से चलाते हो क्या? नहीं, नॉट रेसिंग, जस्ट ट्रैवलिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है ब्रो? जब तुम लोग चलाते हो सिर्फ रोड को देखकर चलाते हो। ओके। और हम लोग आसपास की पूरी दुनिया देखकर चलाते हैं। हम लोगों का पूरा ट्रैवल ही एक डेस्टिनेशन है। फैंटास्टिक ब्रो, हाथ मिलाओ। आप भी डैडी के स्पॉन्सर हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इंटरनेट में ट्रैवलर्स के बारे में लिख रहा हूँ। ऐसी जगह जो अनसुनी है, वहाँ जाकर उसका फोटो खींचकर उसे डिस्क्राइब करता हूँ और पब्लिश करता हूँ। फिलहाल जनता भी उसे एक्सेप्ट कर रही है। ट्रैवल व्लॉग किस नाम से लिख रहे हो? टू स्काई एंड बियॉन्ड। हिमालय के बारे में आपने एक आर्टिकल लिखा था ना? वो बहुत ही अच्छा था, एंड विद माइन्यूट डिटेल्स। यू आर गुड। थैंक्स। आप क्या करती हैं? आई एम अ राइटर। नॉट यट, अभी जॉब को क्विट करके फर्स्ट बुक के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। किस तरह का बुक है? मोस्टली इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर। आई हैव सम कंटेंट, बट इन सबको मिलाकर कैसे लिखूं ये सोच रही हूँ। साउंड्स इंटरेस्टिंग। कमाल की बात है। आर यू गाइस सीरियस? एक राइटर, एक ट्रैवलर, एक म्यूजिशियन और एक नालायक सा लड़का। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे फ्री रहना भी बहुत बड़ा टैलेंट है। ये सही है। वैसे सच कहूं, आप जैसे डिफरेंट कैरेक्टर से मिलने की इच्छा बहुत दिनों से थी, पर मैं अपने बर्थडे वाले दिन मिलूंगी ये नहीं सोचा था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो पार्टी? ठीक है, मैं निकलता हूँ, मैं बहुत टायर्ड। ब्रो, पार्टी बोल के कहाँ निकल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आई एम जस्ट लिटिल टायर्ड ब्रो। और कुछ नहीं, वैसे भी जाकर शराब ही पीने वाले हो, हम सब साथ हैं, क्यों ना साथ मिलकर पिए। मैं पार्टी दूंगा, माय डैडी स्पॉन्सरशिप ब्रो। कॉन्सर्ट खत्म हो गया ना, चलो ना हमारे साथ। ओके, कहाँ जाएंगे? आई नो अ प्लेस। गाइस, इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग, टोटली अनएक्सपेक्टेड। Should keep in touch. ठीक है, मैं निकलता हूँ। Okay. Yeah, even I will make a move. ये क्या तुम लोग जा रहे हो? अभी अभी तो हम लोग friends बने हैं, थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं ना। अभी जाकर करोगे भी क्या? तुमने नौकरी छोड़ दी है और तुम अपनी पूरी लाइफ ट्रैवल करने वाले हो, तो एक दिन तो हमें सिर्फ चिल ही करना चाहिए, है ना? Bro, अभी तो हमने पीना शुरू किया और तुम जा रहे हो। बैठ जाओ ब्रो। ब्रो, अपना नंबर मुझे दे दो। मैं मोबाइल यूज नहीं करता। ब्रो, यहीं कहीं रखा होगा तुमने, मजाक क्यों करते हो? इसमें कौन मजाक करेगा, मुझे मोबाइल यूज के करीब 8 साल हो गए। क्या कहा, 8 साल से मोबाइल यूज नहीं किया? अगर तुम कहीं खो गए तो? हम खो जाएंगे तभी तो नई चीज ढूंढेंगे। इट्स ब्रिलियंट, यू आर लाइक अ बर्ड, हाँ, कंप्लीटली फ्री। मैं भी ऐसा ही रहना चाहती थी, लेकिन कहाँ मुमकिन है। व्हाट्स स्टॉपिंग यू? तुम्हारे दिल में जो है वो तुम्हें जरूर करना चाहिए। Not everyone has a privilege of getting lost. बहुत कुछ करने की जरूरत है। Hmm. Bro,
अगर आपको कॉन्टेक्ट करना हो तो? कॉन्टेक्ट क्यों करना है? तो क्या हम आज के बाद फिर कभी नहीं मिलने वाले हैं? जरूर मिलेंगे, मुझे ये विश्वास है। कब, कहाँ, किस जगह पर? हम सब लोग मन से मिलना ये सोचेंगे ना तो जरूर मिलेंगे। फिर तो मिल लिए हम एक दूसरे से। अच्छा तो फिर अभी भी घूमना चाहते हो या कुछ प्लान है? प्लान तो बहुत सारे हैं। मैं कुछ 6 साल का रहा हूंगा। I don't remember exactly। एक छोटी सी मेड जिसमें सिर्फ एक आदमी चल सकता हो, लेफ्ट या राइट साइड में 1,000 फीट की गहराई, जहां पर आसमान छूते हुए बादल होंगे, उसके ऊपर चलने की एक फीलिंग। वाओ। ऐसे आसमान में उड़ते हुए वहां खड़े होकर उस सनसेट को देखना, व्हाट अ फील, यू नो, आई कैन से दैट्स क्लोजेस्ट टू हेवन ऑन अर्थ। ऐसा सीन, वो एक अलग ही नशा है। वहां बैठकर पीने में बहुत मजा आएगा। एंजॉय। ब्रो, शराब यहाँ से लेकर जाएंगे या वहाँ हमें मिल जाएगी? वहाँ एक पेड़ के नीचे शराब की दुकान होगी। है? कितनी भी चाय पी सकते हैं। Guys, I'm in. मैं भी इन यू ब्रो। Excuse me, मैंने किसी को लेके जाऊंगा ये बोला ही नहीं। मैं अपनी बुलेट के अलावा साथ कभी किसी को लेकर नहीं गया। ठीक है, तुम अपनी बुलेट से जाओ और हम पीछे कार से आ जाएंगे। तो फिर ठीक है। Guys, तुम लोग सीरियसली प्लान कर रहे हो? नो, मेरा 1 महीने में कॉन्सर्ट है, मैं नहीं आ सकता। आई एम सॉरी। तुम्हारे कॉन्सर्ट की वजह से तो हम लोग मिले हैं, और तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें आना ही होगा, और तुम भी चलो ना। आई एम गोइंग टू द रेस्ट रूम। ब्रो, विल यू? जब हम ऊपर जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं आएगा। आई एम श्योर यू डू। दारू पीऊंगा और जब मैं रास्ता भूल जाऊंगा तो तुम मुझे लेने आओगे ना? आ जाऊंगा। हे, तुम पागल हो क्या? अभी तो हम मिले और तुम टूर पे जाने का प्लान कर रही हो? Are you really that stupid? Or just acting like one? Hello, I'm not stupid, okay? I know people and I believe in my intuition. मैंने भी आज से पहले strangers के साथ कभी travel नहीं किया है, but somehow I trust him. तुमने तो कहा तुम writer हो ना? पर writers तो हमेशा open-minded होते हैं। बहुत तरह के लोग होते हैं जीविका। पहली ही meeting में हम judge नहीं कर सकते हैं। तो तुमने कैसे negative judge कर लिया उन्हें? Just look at them. I find them genuine, don't you? I just wanted you to be a little careful. अगर तुम्हें मेरी फिक्र है ना, तो तुम भी मेरे साथ चलो. At least take care of me. I've never done like this before. तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है. Please come with me. Okay. वॉशरूम जाना है? नहीं, तो अंदर चलते हैं. He is in. She's also in. हाँ? मजा आ जाएगा. एक गाना गाते हैं ढिंचे का. समीरा, तुमने नौकरी छोड़ दी है ना? लेकिन जर्नलिज्म तुम लिखते हुए कर सकती थी। बुक लिखने का भी एक रीजन है, लेकिन उसकी वजह से नहीं। बहुत ही सेंसिटिव वाला स्टैटिस्टिक उठाया था, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कर सकते ऐसा कहा, उसी की वजह से। क्या थी वो सेंसिटिव न्यूज? कितनी लड़कियों को किडनैप किया जाता है, उसमें से कितनी लड़कियों को पुलिस रेस्क्यू करती है, इसका स्टेट वाइज एक डेटा बनाया जाता है। उसी को पब्लिश करने की परमिशन नहीं थी। और फिर उनके ऑफिशियल पेज पे मैंने पब्लिश कर दी। कमाल का आइडिया है, कोई चांस ही नहीं है। क्या चांस नहीं है? हा? कोई भी फोकट में रह सकता है क्या? सच बोलो ब्रो, तुम्हारा पैशन क्या है? ब्रो, मैंने बहुत सोच कर देख लिया, मेरा कोई पैशन नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ होगा ही। बताओ तुम्हें पसंद क्या है? मेरे लिए मेरी कार सब कुछ है। कार में जो जोश है, जब फुल स्पीड में चलाते तो अंदर महसूस होता है एक रोमांच, एक अलग सा फील, और उसे किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते।
मेरा भाई मेरे बारे में नेगेटिव सोच सोचकर बहुत मायूस हो जाता है। और तुम्हारे पापा? मेरे पापा एक मल्टी मिलेनियर हैं। मेरे बारे में वो ज्यादा सोचते नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जो भी करूंगा गलत ही करूंगा। उन्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को फ्री छोड़ दिया है। ज्यादा सोचता नहीं हूँ, पर जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ ना तो मैं अपने आप में रहता हूँ। इतनी पैशनेट हो तो अपने आप को प्रूफ करना चाहिए था ना। मुझे किसी के सामने प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रो, मैं भी ऐसा ही था, लेकिन समवन रियली क्लोज टू मी वंस सेड, अपना एक पैशन होता है, सबका एक होता है। उस पैशन को ढूंढकर, पकड़कर, ले जाकर पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे लेवल का पैशनेट नहीं हूं ब्रो। जब देखो तुम मेरी टांग खींचते रहते हो, मेरी जान छोड़ दो ब्रो। एडन, आप किसी चीज के पीछे बहुत जुनून के साथ दौड़ रहे हो। जिंदगी में हर एक चीज का फैसला हम नहीं कर सकते। थोड़ा फ्री छोड़कर देखो, वो खुद हमें रास्ता दिखाएगा। मैं आज यहां पर रहूंगा ये कभी मैंने सोचा नहीं, बल्कि आप लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि हम मिलेंगे। इट्स डेस्टिनी। ब्रो, तुम कहां चले गए थे? ओके 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 गाइस, मैं सोने जा रहा हूं। ब्रो, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? किसी को नींद नहीं आ रही है क्या? इसके बाद क्या करने वाले हो तुम लोग? लेट्स प्ले समथिंग। व्हाट? ट्रूथ एंड डेयर। हाउ सो स्वीट, ट्रूथ एंड डेयर। पागल। ठीक है तो तुम ही बताओ ना। छुपा छुपी खेले, इससे बेहतर तो उसका था। समीरा, तुम ही कोई इंटरेस्टिंग गेम बताओ ना। मैं बचपन में ये बहुत खेलती थी। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, लेकिन इसे खेलने के लिए विश्वास करना पड़ता है। इससे कुछ भी होने का चांसेस है। ये गेम सुनने में डेंजरस लग रहा है। मैंने इस गेम के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। ए, चुप बैठो ना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताओ ना तुम। ओके, यहाँ रखे बुकशेल्फ से कोई भी बुक रैंडमली उठाओ, वो चाहे जो भी जॉनर हो, ह्यूमर, हॉरर, हिस्ट्री, कुछ भी चलेगा। उसमें से एक कंटेंट पढ़ना होगा, लेकिन इसे पढ़ते वक्त पूरा विश्वास करना होगा। यही है गेम। देयर आर मिलियन पॉसिबल आउटकम्स। कम ऑन, लेट्स प्ले गाइस। साउंड्स इंटरेस्टिंग। ओके, अब बातें बंद करो, चलो ना गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ही एक बुक चूज करके लाती हूं। तुम चुपचाप बैठ जाओ, अगर तुम्हें चूज करने के लिए बोला तो तुम एक कार्टून बुक जरूर चूज कर लोगी। समीरा, तुम चूज कर लो। ओके, ये वाली? नहीं नहीं, वो वाली, वो वाली। हाँ, वो ओ माय गॉड। ओ नाइस। I'll go first. Pancharaksharam. Yes, please. बहुत बड़े तूफान में फंसने के बाद, कई मुश्किलों को पार करने के बाद, तूफान थम जाने के बाद जो शांति मिलती है, उसी तरह से बाहर आओगी और शांति पाओगी। फिर उस नीले आकाश की पंछी की आवाज सुनकर, ये अंत नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना की शुरुआत है, ये समझ जाओगी। ये तो बहुत ही खतरनाक पहेली लगती है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मुझे भी समझ नहीं आया। Really interesting. Bro, जब देखो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हर बार नशे में तुम बड़बड़ करते रहते हो। लाओ मुझे दो। एकदम सुगंधित रात आजादी से घूमने वाले घोड़े को यह पता नहीं चलता कि सारी जिंदगी रथ खींचने का वक्त आ गया है। क्या खींचने का वक्त आ गया? ये पक्का मेरे बाप ने लिखी है। सही है पापा, सही इंतजाम किया आपने, मुझे खत्म करने का सही प्लान बनाया है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, घोड़े की तरह बांध कर रखना चाहिए।
कई सारे युद्ध को जीतकर राजा को जीत दिलाने वाला वीर सेनापति एक अनजान बीमारी से मर जाता है और फिर राजा उस सेनापति की जगह लेकर बहुत कैन यू स्टॉप प्लेइंग दिस गेम? क्यों तुम इससे कुछ रिलेट कर रहे हो क्या? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट बहुत नेगेटिव लग रहा है। इस बुक में कोई एक कहानी नहीं है, लग रहा है जैसे कई कहानियों को मिलाया गया है। गेम ही तो है तो इतना क्यों सोच रहे हो, नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। घर का प्यार से पाला हुआ कुत्ता मर जाता है और ये खबर उनकी बेटी तक ना पहुंचे इसलिए उस लड़की के माँ बाप ने कुत्ते को अपने ही गार्डन में दफनाकर बेटी से झूठ कहा कि कुत्ता घर से भाग गया है। मतलब मेरी रियो भागी नहीं थी, वो मर गई थी क्या? हे, उस कुत्ते को भागे हुए कितने साल हो गए, क्या लिखा है? 12 years 6 months। अगर वो कुत्ता भाग भी गया होता तो अब तक मर चुका होता। पागल। Hey, come on, it's a game. कई सीमाओं को पार करके कई दिशा में घूमने वाले पंछी को ये पता नहीं होता कि जब उसका पंख टूट जाएगा तो उसकी सीमाएं घोंसले में खत्म हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, मैं ट्रैवल करना नहीं छोड़ूंगा। That's the attitude, bro. जो भी हो देख लेंगे। बहुत thrilling है ना ये game? Let's play, come on. देवी का जहां भी जाती थी, एक बिल्ली उसका पीछा किया करती थी। ये देखकर देवी का के अंतरात्मा से किसी दुर्घटना होने की आवाज आती रहती थी। लगता है देवी का एक नंबर की पागल होगी। अच्छा तुम लोग काली बिल्ली से डरते हो क्या? लेकिन हाँ, अंधेरे में तो कोई भी काली बिल्ली से डरेगा। समीरा को देखकर तो नहीं लगता कि वो डरती होगी। एक साफ मन की चीन की महारानी को आग का गोला फेंकने वाला एक ड्रैगन अपनी गुफा में उठाकर ले गया। ये ड्रैगन वगैरह कहाँ से आता है? ये फैंटेसी है या फिक्शन? सपने में आके उसे सोने नहीं देगा, उसका किया हुआ पाप उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। अभी उसके सपने में हकीकत आएगी और वो बर्बाद होगा। ए, क्या सीरियस हो गई? नो। जिस पहाड़ को कोई छू नहीं सका, उस पहाड़ को छूने की सोचने वाला एक ये सोच करके फिसल जाऊंगा, उस पल को सोचकर उस पहाड़ पर चढ़कर जब वो आखिरी चोटी पर चढ़ने वाला था तो जो उसने पहले सोचा था उसका डर सच में बदल गया। ब्रो, इसने हमें पहाड़ के बहुत ऊपर चढ़ा दिया, कल हम नीचे उतर जाते हैं, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। साफ मन के इंसान का किसी बुरे मन के इंसान से मिलने का वक्त आ गया है। ये जमाना बुरे लोगों का है, इस बात पर तू विश्वास करने लगेगी। ये क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कह रही थी ना खेलना है, तेरे लिए ऐसे ही आएगा। कला के प्रतीक अपने आप को समर्पित करने वालों को कला ही एक दिन मिटा देगा। ये परफेक्ट आया। मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूं ना, इसलिए आप लोग अपने शौक को कम करो और ये लास्ट पेज पढ़कर खत्म करो प्लीज। क्या हुआ, क्या पढ़ा तुमने? एक बच्चे के रूप में शैतान से मिलो, ऐसा लिखा हुआ है। क्या शैतान से? ब्रो, ये बहुत ओवर हो रहा है, ये बुक मुझे खतरनाक लग रही है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अभी बाहर फेंक कर आता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। इधर ना, रुको। इसे कहाँ लेके जा रहे हो? रुको, रुको। स्टॉप। कल जो हम गेम खेल रहे थे उस बारे में सोच रहे हो क्या? गेम? कौन सा गेम? कैसे हो, नशे में सब कुछ भूल गए ना? मुझे वैसे भी कोई बात याद नहीं रहती, कल तो मैं पूरे नशे में था। ब्रो, तेरा लेवल ही अलग है ब्रो। स्टॉप स्टॉप। सच में तुम्हें याद? कसम से याद नहीं है। डॉगी है वो। शिट। अरे क्या हुआ?
मर गया। मर गया? अक्कल नहीं है क्या? कितनी बार कहा है कि संभल कर चलाओ, मैं बोल भी रही थी। रिलैक्स, उसने अनजाने में किया और वो एक कुत्ता ही है ना। कुत्ता है तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं? जरा भी दुख नहीं हो रहा है तुम लोगों को? Hey guys, मैं हाथ दिखा रहा था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। She is very upset. Hey, वो कुत्ता पहले से किसी गाड़ी से मर गया था। ओह, तो वो पहले मरा हुआ था। सॉरी ब्रो। ओके, ठीक है, अभी क्या करना है? देखा, हमने कल जो भी बुक में पढ़ा था वही हकीकत में होने लगा है। ऐसा कौन सा गेम खेला था तुम लोगों ने? जैसे तू बोल रही है वैसे ऑलरेडी हो चुका है तेरे साथ पास्ट में, इसे तू क्यों बुक के साथ कनेक्ट कर रही है? जस्ट डोंट ओवरथिंक, ओके? गुड जॉब गाइस, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। थैंक यू। तुम लोग कमाल हो यार, अभी तक जो मैंने ट्यून सुनी है वो बहुत ही जेन्युइन है और सुपर है। तुम लोगों का काम बहुत ही अच्छा है, कीप इट अप। तुम लोगों के लिए एक और अच्छी न्यूज है, तुम जैसा चाहते थे उसी तरह अगले महीने में कोक स्टूडियो में एक इंपॉर्टेंट डेट फिक्स किए है मैंने। ए भाई सुपर है। ओके, कीप रॉकिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप रॉकिंग। यस सुपर भाई। क्या ब्रो, मैनेजर ने इतनी बड़ी बात बोला है, क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है और इस साइड तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बीट सही से आ नहीं रहा है, कार्ड्स भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा डर सा लग रहा है यार। ऐसा कुछ नहीं है, दो दिन से कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए जा रहा है ना, घर पे जाके रेस्ट कर ले। ओके ओके, विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, ठीक है, घर जा। ठीक है। बोलो ना। समीरा, मैं दर्शन बोल रहा हूँ। लेकिन ये तुम्हारा नंबर तो नहीं है। समीरा, इट्स एन इमरजेंसी, मैं सब कुछ तुमसे मिलकर बताता हूँ, शाम को ब्रोकन ब्रिज के पास आ जाओ, हम सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं। ओके। कैसा गेम खिलवाया तुमने समीरा? What the hell is that book, समीरा? ब्लैक मैजिक था ना वो? What? मैंने उस दिन कहा था ना जिसने डॉगी मरा था कि अब सब कुछ गलत ही होने वाला है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? Can you please tell me what happened? Samira, it's getting serious. ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये सबके साथ हो रहा है, including you, right? तूने उस काली बिल्ली को देखा था ना?
ये सब क्या हो रहा है, मेहरबानी करके सबको समझाना। उस काली बिल्ली को देखना एक इंसिडेंट था और तुम्हें भी दिखना एक कोइंसिडेंट है, और मैंने तो ऐसे ही शेयर किया था। वैसे मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लीज? मेरे बाप ने मुझे एक हफ्ते की मोहलत दी कि तू सारी जिम्मेदारी ले या घर छोड़कर चला जा। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, आज तक उन्होंने नहीं बोला तो अब क्यों बोला? You know his best friend, best guitarist had a major stroke. He is almost paralyzed. अभी जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसमें लीड गिटारिस्ट है। उस फ्रेंड का और हमने जो गेम खेला उसका क्या संबंध है? क्यों तुझे याद नहीं, कई युद्ध को जीत दिलाने वाला सेनापति एक अनजान बीमारी से मर जाता है और फिर राजा खुद उस सेनापति की जगह लेकर बहुत बड़े युद्ध का सामना करता है। समझ में आया तुम्हें? He was my only friend, समीरा। पता नहीं अभी वो वापस बजा पाएगा या नहीं। समीरा, I'm really, really scared. What the hell is happening? थर्ड राउंड में जो भी हमने पढ़ा वो सब हकीकत में हो रहा है। गाइस, जरा शांति से सोचो। ये सब जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारी किस्मत में लिखा है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। सी, उस बुक में जैसा लिखा है अगर वैसा होना होता तो मेरा पैर टूट गया होता और मैं किसी कोने में होता, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है। नो 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 नो, आई सीरियसली थिंक दिस बुक इज कर्स्ड। उस बुक में जो भी कंटेंट था सब डार्क था। डिड यू नोटिस दैट समीरा? यस, आई हैव नोटिस्ड, सो आई वांट टू रीड द बुक, लेकिन इसने तो फेंक दी बुक। गेम ने हमने जो भी कुछ पढ़ा अगर वो सच निकला तो? मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम लोगों की बातें सुनकर तो लग रहा है कि मैं हॉरर फिल्म देख रही हूँ। जस्ट शट अप जीविका। सी, तुम लोगों ने एक बात सोची, हमने एक महीने पहले जो गेम खेली और चार दिन पहले समीरा ने ग्रुप में मैसेज डाला कि उसने ब्लैक कैट देखी, उसके बाद ये सब होना शुरू हुआ। Did you guys think about it? Guys, I got it. It's all in our mind. इसीलिए ये सब हो रहा है। Hey, क्या तुम अच्छे से समझा सकती हो? Okay, I'll explain. मेरे मैसेज करने के बाद हम सब इस टॉपिक पे ज्यादा सोचने लगे। So I think we have made it happen. ये क्या बकवास है? क्या बोलना चाहती हो? Will you listen to me? सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अपनी अपनी लाइफ हम अपनी अपनी तरीके से डिजाइन करते हैं। लॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड थ्योरी के बारे में हमने सुना है। द सीक्रेट नाम की एक बुक है, इस दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रांसलेट किया हुआ और सेल किया हुआ बुक है। पीपल फाइंड सम ट्रुथ इन इट, राइट? अच्छे से समझ लो, स्पिरिचुअल लोग भगवान को ढूंढना चाहते हैं, पैसे के बारे में सोचने वाले लोग पैसे के पास जाते हैं, जो पैशनेट होते हैं वो पैशंस के पास जाते हैं, जिसको जो बनना है वो खुद डिसाइड करते हैं, अपने थॉट्स ही अपनी जिंदगी बनाते हैं। यही है यूनिवर्सल लॉ, हम भी इसे लागू करते हैं। यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ ट्रैवलर, राइट? और तुझे हमेशा से एक सोशल कॉज करना था, तू एक बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता था, और मैं हमेशा से एक राइटर बनना चाहती थी। मैं हमेशा से एक रेसर बनना चाहता था और ये मेरा जुनून था, तो फिर बना क्यों नहीं? मैं जो बोल रही हूँ उसे गलत मत समझो, घर बैठे बैठे सपने देखोगे तो वो कभी पूरे नहीं होंगे, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, तभी हमारे सपने हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं, वरना हमारे अंदर जो शक है वो हमें मार डालेगा। इसीलिए तो थिंक पॉजिटिव इस शब्द का इतना बड़ा असर है कि वो आपको एक सही जगह पर पहुंचा ही देता है, और बिना सोचे किसी जगह पर पहुंचना एक अलग थॉट प्रोसेस है। दोनों भी पॉजिटिव लग रहा है ना? बट नो, जब कोई सोचता है कि मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं होगा तभी उसके साथ एक्सीडेंट होता है। आप किसी पाखंडी बाबा के पास जाओगे तो वो आपको सब गलत बताएगा और सब गलत प्रेडिक्ट करेगा, लेकिन उसके बोले हुए चार शब्द अगर सही हुए तो वो हमारे दिमाग में एक आइडिया डालता है जिसे हम सच मानते हैं और इसी को लेकर हम सोचते रहते हैं। गाइस, मुझे तो कुछ याद भी नहीं, प्लस मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं, फिर कुत्ता क्यों मरा? वो थॉट्स तेरी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा, तेरा मन पसंद, तेरे आसपास रहने वाले लोग, उनकी सोच भी तेरी लाइफ को इफेक्ट करेगी। क्या इतना डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बता रही है? हम में से कोई इस बारे में बिना सोचे कैसे रह सकता है? एडन, जस्ट कीप योरसेल्फ एंगेज्ड, थिंक पॉजिटिव। क्या ब्रो, इतना सिंपली खत्म कर दिया। जीविका, प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट डेड डॉग। मेरा तो पूरा माइंड उसी में है। देखो, मैंने जो भी पढ़ा है वही सब याद आता रहता है। हम जिस चीज को भूलना चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा याद आता है। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल गाइस, तुम लोग जरा बात को समझो। ठीक है, ओके। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने सोचा? डिड यू गाइस थिंक? क्योंकि समीरा का मैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं, ना उसके बारे में सोचा, इसलिए मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये सारे थॉट्स हम अपने आप बनाते हैं, इसे एक ग्रुप इफेक्टिव बोलते हैं, तो हम सब एक ही बात के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये सब हुआ। हाँ, सही बोल रहे हो, जब हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तभी उस गेम के थॉट जरूर आते हैं। तो सोचने से हम इसे रोक नहीं सकते,
इसलिए हम सबको इस सोच को बंद करना होगा और इसके लिए हम सबको अलग अलग होना होगा। अगर हम अलग हो गए तो इस बारे में बिना सोचे रह पाओगे? क्या बोलना चाहते हो? मैं समझ शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, विद टाइम विल बी फाइन। उसके लिए सबसे पहला काम है कि हम अपने फोन नंबर्स और सोशल कॉन्टेक्ट ये सब डिलीट कर दें, एंड कुछ दिनों के लिए जिसे जो पसंद है वो अपने मन पसंद का काम करे। मैंने एक बड़े ट्रिप के लिए प्लान किया है एंड जरूरी है, सो फॉर सम टाइम डिस्ट्रैक्ट द माइंड। गाइस आर यू सीरियस? क्या हम सच में अलग होने वाले हैं? मैं तो इस बात से खुश हो रही थी कि मुझे इतने सारे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। जीविका, देयर इज नो अदर वे। तुझे पता है ना ये कितना सीरियस है। गाइस एटलीस्ट हम कोई टाइम सेट करते हैं, 6 मंथ्स या 1 ईयर कर लेते हैं। बिछड़ने का सोचते हैं तो मिलने का भी तय कर लो। अगर हमने वो टाइम सेट कर लिया तो जब तक वो टाइम खत्म नहीं होता हम सोचते रहेंगे, और सेट नहीं किया तो हम ज्यादा सोचेंगे। नो 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 गाइस, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। जीविका, वी डोंट हैव अ चांस, ऐसा ही करना पड़ेगा। गाइस काम डाउन, हम पक्का मिलेंगे, ये मुझे विश्वास है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन डेस्टिनी। हम लोग पक्का मिलेंगे और उसके लिए हमारा भी बिछड़ना सही होगा, तो तकदीर को फैसला करने दो कि वो हमें किस तरह मिलाएगा, एंड आई थिंक इट्स टाइम। ओके, हम उसके बारे में बिना सोचे कैसे रह सकते हैं? हम जिस चीज को जितना भूलना चाहते हैं वो हमें उतना ही ज्यादा याद आता है। हम इस सोच को रोक नहीं सकते। हमारे साथ जो कुछ भी घटा है उसके बारे में सोचना बंद करो। सो फॉर सम टाइम लेट्स डिस्ट्रैक्ट द माइंड। मैं हमेशा से एक रेसर बनना चाहता था और ये मेरा जुनून था, तो फिर बना क्यों नहीं? हेलो प्रीति, क्या? ठीक है मैं आती हूँ। हाँ हाँ मैं अभी निकल रही हूँ। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? जीविका बताओ भी क्या हुआ। श्री परम्बुदुर में एक बस का एक्सीडेंट हुआ है और उस बस में बहुत सारे छोटे बच्चे थे पापा। रुक जाओ बेटी, जीविका, बेटी जीविका मेरी बात तो सुनो। जीविका पापा, कुछ नहीं होगा बेटी, घबराओ मत, तू यहीं पर रुक, मैं कैब बुक करके आता हूँ। रुको बेटी, मैं अभी आता हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो सब मिलके मारते हैं इसे। Please help! Help! Help!
क्या है बे? कौन है तू? कौन है बोल? चिंता की कोई बात नहीं है, छोटी सी चोट है। एक्सीडेंट होने पर शॉक की वजह से बेहोश हो गए हैं, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। नो नो, सो जाओ बेटा। किसके लिए ये सब प्रूफ करना चाहते हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करके रखा है ना, तुम्हारी कुंडली में ही एक्सीडेंट होना लिखा है। जब भी तुम घर से गाड़ी लेकर निकलते हो, तुम्हारी माँ और मैं चिंता में रहते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ा। छे, वो हमारे दिमाग में एक आइडिया डालता है जिसे हम सच मानते हैं और इसी को लेकर हम सोचते रहते हैं। आप मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरे लिए कोई फोन आया था क्या पापा? नहीं बेटा। मेरा फोन दीजिए पापा। क्या हुआ बेटा? पापा प्लीज पापा। समीरा, धरना। हाँ धरना, कहाँ है तू? एडन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ बेटा? किसको क्या हुआ? फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया पापा, वो अभी अगाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट है। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम भी उसी हॉस्पिटल में हो? एडन नाम का पेशेंट किस वार्ड में है? आईसीयू मैडम। धरना, डॉक्टर ने कुछ कहा? बॉडी में हाई वोल्टेज पास होने से बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज हो गई है, पल्स रेट भी बहुत कम है। ही इज कंप्लीटली ऑन द वेंटिलेटर। अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते, 2-3 दिन लगेंगे। हम लोगों के साथ ही क्यों रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीविका को किसी ने कॉल किया? मैंने ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने भी किया लेकिन नहीं लग रहा है। वो कभी अपना फोन ऑफ नहीं करती, मुझे डर लग रहा है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। हे, नहीं, तू रुक और रेस्ट कर, एडन का ध्यान रख, हम दोनों जाकर आते हैं। पता नहीं अब क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या हुआ अंकल? मैं तुम लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जीविका को किसी ने फोन किया था क्या? नहीं अंकल, आखिरी बार। हे भगवान, श्री परमपुर में एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए वो गई। रास्ते में फोन पर बात भी की थी मुझसे, उसके बाद फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद ही मैंने इंस्पेक्टर साहब के पास कंप्लेन की, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आइए,
सर आप जरा रुके सर, मैं इनसे बात करता हूँ। जिस गाड़ी में लड़की गई थी उसके ड्राइवर की डेड बॉडी मिली है। एक्चुअली उस हाईवे पर हमेशा मर्डर होते ही रहता है, हम उस सीरियल किलर को ढूंढ ही रहे हैं। नहीं, इससे पहले ऐसा हुआ था तो मैं समझा नहीं। अब तक उस हाईवे से 4 लड़कियों का अपहरण हुआ है। Are you sure it's a serial killer? उन 4 लड़कियों का मर्डर हो चुका है। 4 लड़कियों का? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते? ये क्या बोल रहे हैं? मैं बात करता हूं। शांत रहिए अंकल, आप लोग इन्हें ले जाइए, हम देख रहे हैं। शांत हो जाइए। ए चलो चलो। बचपन में तूने जिस शैतान की कहानी सुनी थी ना, वो असली शैतान मैं हूं, मैं, जिससे लोग सपनों में डरते हैं। वो असली खूंखार शैतान मैं हूं। आज तेरी मासूमियत को मैं बर्बाद कर दूंगा। तुम मुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाए हो? तेरी जैसी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी थी। मुझे जाने दो प्लीज। आज मैं तेरी जिंदगी को एक नई दिशा दूंगा। नहीं नहीं प्लीज, मुझे जाने दो। आज मैं तुझे दिखाऊंगा इंसानियत का काला रूप। नहीं प्लीज छोड़ दो। कसम से मुझे यकीन नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो गया ना, फिक्शन स्टोरी जैसा। तुम लोगों को दोबारा मैं देख पाऊंगा मैंने सोचा नहीं था। जीविका के बारे में अब तक कोई खबर नहीं आई है, पुलिस भी ढूंढ रही है। उन पे विश्वास करके कोई फायदा नहीं है, हमें खुद ढूंढना होगा। ढूंढते हैं, मैं रेडी हूं, लेकिन कहां जाके ढूंढेंगे? मिडल ऑफ द हाईवे से वो गायब हुई है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। जीविका की स्थिति के लिए वी ऑल आर रिस्पांसिबल। नहीं ब्रो, इस सब की वजह वो खतरनाक बुक ही है। उसमें डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी देखेगा लिखा था ना, दैट बुक इज समथिंग एल्स मैन। उस बुक को पार करके उसके अलावा जो हुआ, हम जिस बारे में डर रहे थे वही हुआ। तो अगर हमने सोच लिया तो कुछ भी बदल सकते हैं। इट्स नॉट कंप्लीटली अबाउट द बुक मैन। No guys, उस दिन गेम के लास्ट राउंड में मेरे लिए क्या आया था वो मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था। बच्चे के रूप में तुम्हें एक शैतान मिलेगा और उसको देखते ही तू एक नए रिश्ते को खोएगा। I think this book is beyond our imagination and it has got all the answers. इसका सोल्यूशन भी उस बुक में जरूर लिखा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ठीक है, अभी जाके उस बुक को ढूंढते हैं। गाइस, आई हैव द बुक। वो बुक तेरे पास कैसे आया? एक्सप्लेन समीरा। व्हेन आई फाउंड द बुक, I found something really odd about it. मुझे उसे ऐसे छोड़कर आने का मन नहीं किया। I was just curious. ये ब्रोकन ब्रिज में बोलना चाहिए था ना। तुम सब पहले से ही डरे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा I didn't want to scare you anymore. अब समझ में आ रहा है, वो हमारे साथ है इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। उस बुक में क्या है ये तुमने जरूर पढ़ा होगा, क्या है बताओ। पढ़ा था,
रैंडम इवेंट्स, थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, दुनिया की कई चीजों को लेकर एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ डिजाइन किया गया है। अगर कहा जाए तो किसी तरह की डेस्टिनी का फैसला करने के लिए शायद इस बुक को लिखा गया है। ये बताओ, ये बुक हमारे हाथों में आए कैसे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये जो भी हुआ है हमारे किस्मत में लिखा है। अब ये बुक हमसे क्या कराता है देखते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ है वो उस बुक में लिखा है। अभी आगे और क्या होने वाला है उस बुक से ही पूछते हैं। आर यू सीरियस? तुम दोबारा खेलना चाहते हो? और कोई रास्ता नहीं है। खेलने के बाद फिर कुछ नेगेटिव हुआ तो? बुक में सारा कंटेंट नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इक्वल है। हमारा मन जिसे ढूंढता है वो बुक वही दिखाता है। अक्सर नेगेटिव थॉट्स में पावर ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ज्योतिषी अगर 10 चीजें अच्छी बताएगा और एक चीज बुरी बताएगा तो वही हमारे दिमाग में चलता है। हमारा माइंड उसे डीपली सोचता है, इसीलिए अच्छा हो रहा है या नहीं, लेकिन बुरा होता ही है। हम लोग उस पर शक किए बिना पूरे विश्वास के साथ उसके साथ खेलते हैं। ये बुक हमें जीविका के पास पक्का लेकर जाएगी। रखेंगे। सूरज को देखे हुए कई दिन हो गए हैं। मैं अपने पैरों पर कब खड़ी हुई थी ये भी मुझे याद नहीं। उसने हमें यहाँ क्यों बंद कर रखा है? आखिर वो चाहता क्या है? और क्या, वो हम जैसी लड़कियों का अपहरण करके थोड़ा थोड़ा सताकर मार डालता है। मेरे यहाँ आने के बाद उसने कई लोगों को मार डाला। मतलब वो हम सबको पक्का मार डालेगा ना? क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं? Let's start. हमारे अंदर कोई रहस्य नहीं है। सोचने वाले दोस्त अपने लक्ष्य की तरफ सफर करने का आखिरकार फैसला कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर छुपाए हुए रहस्य उनके सामने एक चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं और वो उन्हें रोकते हैं। उसे अपने अंदर महसूस करने वाले लोग अपने रहस्य को खोलकर अपने सफर की तरफ चलना शुरू करते हैं। गाइस, क्या हुआ? तुम लोग इस तरह शांत क्यों गए? तुम्हारे अंदर भी कोई सीक्रेट छुपा हुआ है क्या? मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता था। वो कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। उस बात को बोलने का कोई सही टाइम नहीं मिला। छह साल पहले मैंने अपनी प्रिया को देखा था। जब मैंने उसको देखा तो उसकी आंखों में मुझे मेरी पूरी जिंदगी दिखाई देने लगी। मेरे अंदर के म्यूजिक को उसने पहली बार देखा। मैं म्यूजिशियन बनूंगा ये उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी। इट वॉज लाइक अ ड्रीम, जस्ट टू सरियल टू बिलीव। हर सपना एक दिन टूटता है। दो साल पहले मुझे पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। उसको बस मुझसे एक ही इच्छा थी कि जब वो मरे तो मेरी बीवी बन के मरे।
जिस दिन मैंने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी उस दिन वो मर जाएगी। इस डर से वो दिन कभी मैंने आने नहीं दिया। आई जस्ट वॉन्टेड हर टू लिव वन मोर डे विद मी। उसकी खुशी पूरी करने से पहले वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने उसको अपनी बीवी बनाकर भेजा। अभी उसकी सांसें मेरी अंदर म्यूजिक बन के हैं। इट्स द ओनली रीजन आई एम स्टिल अलाइव। जब तक ये म्यूजिक तेरे साथ है वो लड़की तेरे साथ ही रहेगी। योर लव इज समथिंग इंटरनल, अनदर पेन ऑफ लूजिंग समवन। मैं ये बात किसी से शेयर करूंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी लाइफ में सब कुछ था और अचानक एक दिन सब कुछ बिखर गया। मैंने अपनी लाइफ में अंधेरे को देखना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त सब मुझे छोड़कर चले गए। जो किसी और ने या दुनिया ने नहीं दिखाया वो मुझे ड्रग्स ने दिखाया। वो दुनिया ही अलग है। एक दिन जब ड्रग्स का ओवरडोज हो गया तब मेरा फ्रेंड दुनिया छोड़कर चला गया। दैट वॉज माई ब्रेकिंग पॉइंट। तभी मैंने ट्रैवलिंग शुरू की। लाइफ में उसके बाद जो कुछ भी अच्छा हुआ तो वो तुम लोग हो। सॉरी ब्रो, रियली सॉरी टू हियर दैट। दैट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। समीरा, यू हैव एनीथिंग टू से? आई थिंक उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक अनाथ हूं लेकिन बचपन से नहीं थी। जब मैं छोटी थी मेरे पापा गुजर गए, उसके बाद सिर्फ मैं और मेरी माँ। फिनेंशियली हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मेरे पापा ना होने के कारण मेरी माँ पूरी तरह से बदल गई। मैंने उनमें बदलाव देखा, एक हैप्पी मदर से लेकर डिप्रेस्ड वुमन तक। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम इंटेंस सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। उन्होंने जो दुनिया देखी वो दुनिया ही अलग है, वो मैं धीरे धीरे समझने लगी। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ दो चॉइस दी थी, या तो मैं उनको उनके हाल पे छोड़ सकती थी या उनके मौत के आने की प्रार्थना कर सकती थी। लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं उन्हें अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया। मैं उन्हें हर रोज जिस तकलीफ में देखती थी लगता था मौत ही उन्हें खुशी दे सकती है। You have to let it go, Samira. Guys, this book is not an accident. मैंने खुद रखी थी। पागल हो क्या तुम? आज जीविका हमारे साथ नहीं है, इसकी वजह तुम हो। क्या सोचकर तुमने ये सब किया? इसका अंजाम पता था ना तुझे? जानता है ना तूने क्या किया? जिस तरह तुमने अपनी माँ को मारा उसी तरह हम सबको भी मारना चाहते हो क्या? चुप रहो, ऐसे अनाप शनाप मत बोलो। ऐसा कुछ होगा ये सोचकर मैंने ये सब नहीं किया। अगर मेरी वजह से ये सब हो रहा है तो मैं चली जाऊंगी। ये सब करने के बाद अब तुम जाने की बात कर रही हो? ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली बताओ? मुझे नॉवल के लिए इंस्पिरेशन चाहिए था तो मैं एक लाइब्रेरी गई। उस दिन मैंने वहां इस बुक को देखा। आखिरी बार जिस इंसान ने इस बुक को पढ़ा था उसने एक नोट लिखी थी। भूतकाल के जरिए हम इस दुनिया के भविष्य का फैसला कर सकते हैं, एक महान इंसान इस बुक को लिख कर गया है। उसके बाद कई राजाओं कई लेखकों के पास ये बुक गई है। इस बुक में कई चीजें धुंधली होते जा रही थी
इसीलिए इस बुक को नए सिरे से लिखा गया। जो लोग इस बुक को मिटाना चाहते थे उनसे छुपकर उन्होंने इस बुक को लाइब्रेरी में छुपाया। So it's all just curiosity, right? ये बात तुम पहले बता सकती थी ना? फ्रेंड मानती तो हमें बताती ना ब्रो। अगर इसके बारे में तुम हमें पहले बोलती तो हम जरूर खेलते। मतलब जो भी इसने किया वो सही किया? अगर ये बुक हमारे हाथ लगता तो हम भी यही करते। मेरी गलती है, मैंने बिना बताए ये सब किया। मेरी जिंदगी के सबसे अहम लोग हो तुम लोग। I'm sorry. अभी क्या करना है? कोई है क्या? उसे कुछ मत करना प्लीज, कुछ मत करना उसे। ये बहुत प्यारी है। इसकी नजर में तेरे और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं है जीविका। मेरे अंदर कोई तो अच्छी चीज है जो तुझे यहां ले आई। जैसे मेरे अंदर अच्छाइयां हैं उसी तरह तेरे अंदर कोई बुराई जरूर होगी। इस दुनिया में कोई बुरा पैदा नहीं होता और वो अच्छा इंसान बन के मरे जरूरी नहीं, इंक्लूडिंग यू। तू कंफ्यूज है ना? यू आर अ डैडीज लिटिल प्रिंसेस, राइट? जब से पैदा हुई खुशी से जी रही है। अपने आलीशान महल में रहते हुए ना ही दुनिया की बुराई देखी होगी और ना ही मुसीबतें देखी होंगी। जो मैंने देखा है, अगर तूने देखा होता तो तू ऐसी रहती? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, राइट? फाइन, इसे सच बनाते हैं। तुम जैसे मेंटली इफेक्टेड लोगों के लिए मैंने कितना काम किया, कितनी तकलीफें उठाई है। तू लोगों के लिए कर या अपने लिए कर? लोगों को तेरी जरूरत नहीं है जीविका। आई एम गोना शो द वर्ल्ड That the purest of soul can commit the darkest of crime. इस वक्त 2 लाख लोगों की आंखें तुझे देख रही हैं। There are many eyes here. You are instant hit, जीविका. तेरे आसपास कितनी डार्कनेस है तुझे इसका अंदाजा नहीं है। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। कौन देख रहा है बताओ? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे जैसा तो और कोई हो भी नहीं सकता। एक नाम सुना है तूने? Deep Dark Web. ये जगह लोगों की गंदी से गंदी ख्वाहिश को पूरा करती है। डार्क वेब, इंटरनेट का दूसरा चेहरा जिसे हर कोई नहीं जानता। ये सबकी समझ से बाहर है। जैसे दूसरी सोशल साइट्स तू इस्तेमाल करती है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन फर्क सिर्फ एक है, यहाँ हर चीज लाइव है। मर्डर, रेप, चाइल्ड अब्यूज, सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरनेशनल वेपन डीलिंग, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसी हर एक इलीगल एक्टिविटी के लिए यही एक प्लेटफॉर्म है। मैंने तुझे कहाँ ढूंढा यही सोच रही है ना? तेरे हाथ में जो है वही मेरी आंख है। आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर अ वाइल जीविका। बहुत जल्द ये दुनिया बदलने वाली है और तू अपने अच्छे कामों से दुनिया को बदल देगी, ये सोच रही है क्या? नहीं, हर एक इंसान के अंदर की गंदगी, मन के अंदर दबा कर रखी हर ख्वाहिश धीरे धीरे हम सबको राक्षस बना रही है। अब तू जो दुनिया देखेगी वो बिल्कुल अलग है। इट्स टाइम, लेट्स स्टार्ट द गेम। नवी सदी में एक महान राजा विजय आलिया सोलन तंज पर कब्जा करने के लिए वरुगुणा पांडी के साथ युद्ध करने के लिए फैसला लेता है और युद्ध के 4th दिन सारी सेना पीछे हट जाती है। जब सैनिक पीछे हट गए तो विजय आलिया सोलन की मदद के लिए दक्षिण दिशा से एक बड़ी सेना आई। आई थिंक वी हैव अ डायरेक्शन। हजारों साल पहले की घटना पर विश्वास करके तुम उस दिशा में जाने चाहते हो क्या? अगर सीरियसली तुझे विश्वास नहीं है तो डोंट डू दिस। एटलीस्ट हमारा विश्वास तो मत तोड़ो।
सदर्न डायरेक्शन में जाते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। युद्ध के मैदान में पहुंचने के लिए, युद्ध में मरे हुए सैनिकों की लाशों को खाने के लिए चील वहां पर आने लगी और उस चील का पीछा करते हुए सेना की बड़ी टुकड़ी उस युद्ध के मैदान तक पहुंच गई। और कितनी देर हमें इसी तरह से चलना होगा? हम कहां जा रहे हैं, क्या करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। तू बार-बार अविश्वास की बात क्यों करता है? But guys, believe me, magic does happen. मेरा पूरा माइंड जीविका कहां होगी, क्या कर रही होगी, यही सोच रहा है। Guys, झगड़ो मत। अगर हम झगड़ा करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम लोग जरा शांति से सोच कर देखो, इसमें से एक भी क्लू यूज हुआ क्या? तुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है, इसलिए अब तक कुछ नहीं हुआ। हम सबको एक बात पे पूरी तरह से विश्वास करना है, तभी यह होगा। जब हम डरे तब सारी बुराई हकीकत में हुआ, उसी तरह अच्छाई भी होगी। विश्वास करो ब्रो। वो देखो उस कार में चील दिख रहा है। अरे उस कार को देखो ना। कहाँ है? अरे वो देखो उस स्टिकर को देखो। चल चल फॉलो कर भाई, उस कार को फॉलो कर, फास्ट जा यार फास्ट। अरे स्पीड बढ़ा। चले जा मेरा दर्शन, मैं हूं अंत अच्छाई का। गाइस इस ग्रुप को ऐसे नहीं छोड़ सकता। जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। तू भला क्या चीज है, तू मुझसे डर। फास्टर ब्रो फास्टर, डोंट लूज हिम प्लीज, कम ऑन फास्टर। करके रखूंगा। हे भाई क्या हुआ? भाई लगता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। आप लोग चलिए, मैं देखता हूँ। हे क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं हुआ, हमें क्या करना है ये बताओ। चील आराम करने के लिए नदी के किनारे बैठ गया और सेना पूरे विश्वास के साथ जंग के मैदान की तरफ बढ़ते गए। लगता है कोई सीक्रेट कोड को नंबर में भेजा है। नंबर भूल जाएंगे। समीरा तुम इसका फोटो ले लो, रास्ते में सेंड कर लेते हैं। अरे ब्रो गाड़ी में पेट्रोल कम है, रास्ते में डलवाना पड़ेगा। Hey, just go back. वापस डालो। Guys, स्पीडोमीटर में जो नंबर है और क्लू में जो नंबर है वो exactly सेम है। What? सच में? हाँ। हाँ ना? पांच नंबर सिंक हो रहे हैं और आठवां नंबर अगले किलोमीटर में सिंक हो जाएगा। बढ़िया। तो बाकी के पांच नंबर? 13628 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 13
136, 136। रुक, गाड़ी रुक। सारे नंबर सिंक हुए, उस क्लू में जो नंबर था और स्पीड मीटर में जो नंबर था। समीरा, सिर्फ दो नंबर मिस हो रहा है। आखिर के दो नंबर क्या है? 28 28 28 28 28। हम यहाँ क्या ढूंढ रहे? 28 डिग्री हो सकता है, 28 किलोमीटर भी हो सकता है। हे, शैडो के बारे में क्लू मिला था ना? आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा। या आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा, पीछे भी आएगा और आगे भी जाएगा। वो कौन है? शैडो यहाँ पे है। समय आने पर
वो तेरे सामने दिखेगा, तेरे से भी बड़ा। परछाई की ऑपोजिट डायरेक्शन ये हुई, दिस डायरेक्शन। हे 28, ओ यार 28 है, वहीं पर क्लू होगा। पंचभूतम में जो है, जल, पृथ्वी, अग्नि, आसमान और वायु। तुम लोग इधर उधर क्यों देख रहे हो? वो नंबर मिल गया, पर कोई क्लू मिलेगा या नहीं वो देख रहे हैं। क्लू? अबे यार, यहाँ इतनी गर्मी और हवा भी नहीं चल रही। क्या कहा? हवा बिल्कुल नहीं बोला ब्रो। हवा, धरती, अग्नि, पानी, आसमान, हवा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। इन सबको मिलाकर शिव जी का मंदिर, तिरुवनामलय, कांजीपुरम, श्रीकालाहस्ती, चिदंबरम, तिरुवनायकावल, ये सभी एक ही दिशा में बनाया गया है। पांच मंदिर, पांच शिव का मंदिर, वहां एक मंदिर दिख रहा है। समीरा, फोन। पृथ्वी का मध्य भाग चिदंबरम नटराज के मंदिर में जो शिव की मूर्ति है उसके दाहिने पैर में बनाया गया है। गाइस, वो पांच मंदिर उसी जगह हम खड़े हैं। What? Are you serious? Yeah. हाँ। हाँ यार। क्लू में जैसा मिला है उसी तरह एक ही दिशा में बनाया गया है। सदर्न डायरेक्शन में जाने वाली लाइन इसी तरफ दिखा रही है। See? वहाँ पर जाने का कोई रास्ता है क्या? फोन। हाँ। तुम जैसा बोल रहे हो उस हिसाब से हम लाइन के सेंटर में ही है। सो कौन से डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ या साउथ? पहले जो डिसाइड किया है साउथ। या लेट्स गो। लेट्स गो। प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज। उसे तड़पते हुए देख नहीं पा रही, उसे बचाना चाहती है। ठीक है, तो तुझे एक चांस देता हूँ, अब सब तेरे हाथों में। मेरे हाथों में? मैं नहीं समझी, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। किसकी जान ज्यादा कीमती है, लड़की की या फिर इस बिल्ली की? फैसला कर, लेकिन जल्दी। क्या डिसाइड करना है? सिंपल जीविका, उस बिल्ली का गला दबोचकर मार डाल। जितनी जल्दी उसे मारेगी उतनी जल्दी इसे बचा पाएगी। लेट्स सी हाउ मच पेन शी कैन हैंडल। स्टॉप, नहीं, बंद करो उसे। कम ऑन जीविका, टाइम इज रनिंग, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। प्लीज रुक जाओ। किल इट, किल इट जीविका, यस, मार डाल उसे। यस जीविका, जीविका तुमने बहुत देर कर दी। हाउ डज इट फील जीविका? फील्स गुड राइट? वेलकम टू द क्लाउड। गाइस, किस तरफ जाएंगे? लेट्स गो राइट। ब्रो, ये रोड जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा, हमें इस तरफ जाना चाहिए। दृश्यम जो बोल रहा है वो मुझे सही लगा। क्या? फोन। कोई एक इंसान अपनी जिंदगी का रास्ता दो तरफ जाते देखकर कंफ्यूज होकर उसने एक रास्ते को चुनकर सफर में निकल पड़ा, और दूसरे रास्ते में क्या होगा ये सोचकर जाते जाते उसे सफर में अपनी जिंदगी खो दी। गाइस, ठीक है, जब एक रास्ते पे निकल पड़े हैं तो दूसरे रास्ते में क्या होगा यही सोचते रहेंगे तो वो दूसरे रास्ते में चला जाएगा। सो आई थिंक वी शुड गो इन बोथ द डायरेक्शंस। तो हम दोनों रास्ते में जाते हैं। हाँ, लेट्स स्प्लिट अप गाइस। धन्ना, गाड़ी निकाल, चलते हैं।
ये क्या कर रही हो तुम? एक हफ्ते पहले हमें यहाँ पर एक ब्लेड मिला, धीरे धीरे करके हम काट रहे हैं। एटलीस्ट एक भी बच गई तो बाकी सबको वो बचा सकती है ना? अगर हमने इसे काट भी लिया तब यहाँ से बचकर निकलेंगे कैसे? एक मिनट रुक जाओ, दिखाती हूँ। गाड़ी रोक सर, रुको, मुझे लग रहा है हम गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तुझे कैसे पता? बोलो। मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा लग रहा है। वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? कॉल करके पूछो। ओके। नॉट रीचेबल आ रहा है। ओके, तू गाड़ी को घुमा, घुमा ना। जल्दी काटना। I have an idea. तू जा। ये वही जगह है? हाँ, मैंने बुक में पढ़ा था। तुमने कुछ और पढ़ा था? विक्रमादित्य बेताल को ढूंढते हुए एक जंगल के रास्ते के सामने से गुजर रहा था और वो जिसे ढूंढ रहा था वो एक बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत गुफा के अंदर कैद था। इस तरफ जाकर देखें? हाँ हाँ। पे रोकना। क्यों, क्या हुआ? कितने दूर ऐसे ही सफर कर रहे हैं, एक ही रास्ते में हम घूम रहे हैं और रोड भी खत्म नहीं हो रहा। उन लोगों को कॉल लगाओ। चला नहीं सकता क्या? यू ओके ब्रदर? यहां से मेन रोड कैसे जाना है? कहां जाना है? यहां से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर सोलेर नाम की जगह है। हम सारे फ्रेंड्स आए थे और बिछड़ गए, अब कैसे जाना है वही पता कर रहे हैं। मेन रोड किधर है? यहां से 12 किलोमीटर जाओ, पहुंच जाओगे। आग का गोला फेंकने वाला ड्रैगन अपनी गुफा में गया। ये ड्रैगन वगैरह कहां से आते हैं? तुम
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ एक रुक जाओ पहले शांत हो जाओ, घबराओ मत। वहाँ पर मेरी तरफ 5 लड़कियों को अपहरण करके रखा है सर। 5 लड़कियों का अपहरण? सुनो चलो गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ। वो बहुत खतरनाक आदमी है सर। मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी बैठो। जो बुक में देखा था वो ऐसी था? श्योर पता नहीं है, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे जो गुफा है वो वाला। यहाँ जीविका के होने के चांस है क्या? हो सकती है, पक्का हो सकती है। अगर जीविका के वहाँ होने के 1% भी चांस हो तो हम वहाँ जाएंगे। चलो ए, रुको। हाँ? कार की आवाज नहीं दे रही है। What? तुम जाओ, मैं देख कर आता हूँ। तुम जाओ, मैं देख कर आता हूँ। तुम जाओ। सर यह है क्या? अच्छा हुआ आप आ गए। कौन हो तुम? सर मेरी बात तो तुम्हारे साथ और कौन कौन है? सर ये वो नहीं है सर। तुम्हें कैसे पता? ये भी तो हो सकता है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? सर मैं अकेले हूं। तुम्हें अंदर जाने का रास्ता पता है क्या? सर मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए, मेरी फ्रेंड लापता हो गई, उसे ढूंढना है। मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। ए अंदर चलो, ए तुम भी चलो, बोला ना अंदर चलो, चलो 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 अंदर। कितनी देर ऐसे घुमाओगी? तुम्हें रास्ता पता नहीं है क्या? सर बहुत डर लग रहा है। सर वो ढूंढ तो रही है ना, क्यों उसे डांट कर डरा रही हो? ए तू मुझे सिखा रहा है क्या? ये बता तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तू जो ये सब कर रहा है ना, मुझे तेरे ऊपर शक हो रहा है। की बात मत कर सर, ओ बंद कर। सर ये नहीं है सर। ए तू चल। सर सर एक लड़की से आप तो घुटनों पर बैठ। ये नहीं है सर। चल बैठ। सर बोला ना बैठ। ढूंढ कर देखते हैं ना ये कहीं पर। ऐसे घूर क्या रहा है? तुझे यहाँ के बारे में कैसे पता चला? सर यहीं पर कहीं ढूंढ कर देखते हैं ना। तुम बंद कर। सर सर उनको कुछ पता नहीं है सर। तू है कौन मुझे बता? ए, तुझे बोला ना चुप रहे, नहीं तो पहले तू मरेगी। सर सर भागो। तो तेरा इस जगह से क्या संबंध है? चल बता। सिर्फ यही है या कोई और है इसके साथ? एक लड़की भी थी जो यहां से भाग गई। जाकर पकड़ उसे। ठीक है। आ,
सर, छोड़ दीजिए सर, सर। चल बोला ना सर, तूने कहा सिर्फ यही है, इसे बांध दे। चल छोड़ो, बांध इसे, छोड़ो मुझे। धन्ना, मैं जानती हूँ जीविका कहाँ है, वो यही अंडरग्राउंड है। एक लड़की पे हाथ उठाते हो, एक के बाद एक आ रहे हो। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो दो लोगों को देखा था, ये तेरे ही फ्रेंड्स हैं ना, हाँ? उनको भी आने दे, देखता हूँ। छोड़ो उसे, यहाँ से बचकर भाग। छोड़ दो उसे, एक छापड़ दूंगा। छोड़ो, छोड़ दो उसे, कमीने इंसान, छोड़ो, यू रास्कल। हिम्मत बंद कर, लड़की पे हाथ उठाता है। छोड़ो उसे, छोड़ो। तेरे तो बाकी फ्रेंड्स भी आएंगे यहां, सोचो क्या हाल करूंगा उनका। तब तक तुम उन्हें देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। छोड़ से, वो देखो पुलिस की गाड़ी, समीरा की कार। हाँ समीरा की है, उस तरफ ही गए होंगे, तू उस तरफ जा। जाके देख। ए! ए! आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा।
समीरा नहीं, कम ऑन रन। जीविका, पहले जीविका को बचाओ। आर यू श्योर? ले जाओ। ओके ओके ओके। रुक, समीरा रन, सामने से हट। रन समीरा, रन समीरा, गो सेव जीविका। कम ऑन, गोली चला। किल मी। वो तो मारूंगा ही, मुझे गोली मार कर दिखा। पहले तुझे मरना है क्या? चल अपने पीछे तो देख। पिछले 6 सालों से लड़कियों का अपहरण करके उन्हें प्रताड़ित करके डार्क वेब में डालने वाला वो खूंखार अपराधी आखिर मारा गया। साइबर क्राइम के जरिए उस वेबसाइट के एडमिन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। सिर्फ अपने दोस्त को ही नहीं बल्कि कुछ और लड़कियों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाले उन 4 लोगों को तमिलनाडु के DIG राजकुमार ने तहे दिल से मुबारकबाद दिया है। इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से लड़कियों की सुरक्षा एक सवाल बनकर रह गया है। मैं इतने सालों से जिस कहानी को ढूंढ रही थी वो कहानी अब मुझे मिल गई। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है वो है ये लोग। इतने सालों से किसी बुक ने मुझे जो नहीं सिखाया वो इन लोगों ने मुझे सिखाया। हमारे साथ जो घटना हुई उसने हम सबको बदल दिया। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब एक पल ठहर कर सोचने पर मजबूर हो गए और समझा, म्यूजिक को एक पैशन मानने वाला, अपने अंदर जिस गुस्से को दबा कर रखने वाला, उसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिलने लग गई। उसने इन बातों को महसूस किया। इन आंखों ने कितनी सारी चीजों को देखा होगा। इतना सब होने के बाद भी इसने उड़ना बंद नहीं किया। एक खूंखार जानवर के लिए अपनी जान की बलि भी दे सकते हैं, ये उसने एहसास दिलवाया। हम इसे एक छोटी बच्ची समझते थे लेकिन इसने हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी। इंसान का इतना बुरा रूप देखने के बावजूद भी अपने अंदर की इंसानियत को वो जरा भी नहीं बदल पाई। ये सब जो भी कुछ हुआ, ये बुक की वजह से हुआ या मेरी वजह से, या मेरे अंदर जो डिप्रेशन था उसकी वजह से, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, अगर अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो नेगेटिव तो जरूर होगा। गलत विचार आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचने के बजाय उसको भुलाकर हमें खुशी से जीना चाहिए। मैंने जो शुरू किया था उसे खत्म करने का हम सब ने फैसला किया है। इसके आगे हमारी जिंदगी ने हमारे लिए क्या सोचा है ये तो हम नहीं जानते, मगर आगे हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है और उसे कैसे बदलना है ये हम जानते हैं। हमारे हाथों में जो सुपर पावर है वो है हमारा विश्वास। हम अपने विश्वास के जरिए एक पत्थर को भी भगवान बना सकते हैं। उसी विश्वास के जरिए हम अपनी जिंदगी को उस तरह नहीं जी सकते जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं। इस बहुत बड़े तूफान में फंसने के बाद, बहुत सारी मुश्किलों को पार करने के बाद, तूफान के थम जाने के बाद जो शांति होती है उस तरह मुश्किलों से तू बाहर आएगी, शांति पाएगी। तो फिर उस नीले आकाश की पंछी की आवाज सुनकर, ये अंत नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना की शुरुआत है, ये तुझे समझ आएगा।